निफ्टी चालू आहे 1650, तर अजून किती वेळ होल्ड करायचा का काढून काढून टाकायचं? प्रॉफिट मध्ये असेल तर बुक करा ना. प्रॉफिट मध्ये आहे ना, सकाळी जास्ती प्रॉफिट मध्ये होता तो, पण ठीक आहे. आता नाही सकाळी नाही, तुम्ही ज्या वेळेस सांगितलंय ना, तुम्ही ज्या वेळेस पोस्ट टाकली आहे ना, तेव्हापासून आतापर्यंत हाय त्याचा, आतापर्यंत हा गेला नाही, त्याच्या आधी 117 जायचा रिटर्न यायचा रिटर्न यायचा. आता त्यांनी 120 ब्रेक केलाय आणि 125 च्या आसपास जाऊन रिटर्न परत 117 122 च्या आसपास चालू. मग आता त्याला होल्ड करायचा काढून टाका. नाही नाही, प्रॉफिट मध्ये तर एक्झिट करा, कारण मार्केट बघा बाउन्स बॅक देत आहे ना, खाली आलाय आणि वर येत आहे. मी काय केलंय, मी मला जर विचाराल तर मार्केट खाली आलं तर मी सिम्पल इथे काय केलं, कॉल बाय केलाय 1650 जो मी ग्रुप मध्ये टाकला तोच मी बाय केलाय. एकच लॉट आहे 970 रुपीज, त्याच्यावर मी आता प्रॉफिट घेते. आता जर मी क्वांटिटी मारली असेल तर प्रॉफिट झाला असता, पण माझ्या क्लायंटला म्हणजे एका स्टुडंटला शिकवण्यासाठी मी करून दिलेला आहे तो, सो लाईक त्याच्यावर आपण 900 रुपीज प्रॉफिट घेतोय. ठीक आहे, स्टार्टिंगला तुम्हाला थोडा थोडा पण प्रॉफिट झाला ना तर बुक करायला सुरू करा. ओके, सामने सक्सेसफुली कवर अप कर लिया. साची मॅम आपके लिए कॉल डाला था, लिया इसी लिया 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 प्रॉफिट बुक किया. प्रॉफिट बुक किया, थोड़ा ही किया बट एटलीस्ट किया. परफेक्ट, कितना किया? 500 का प्रॉफिट किया. जब लॉस करो तो ज्यादा और प्रॉफिट करो तो कम. कोई नहीं, एक ही लॉट में निफ्टी किया. ठीक है, 100 पे लिया, 110 पे सेल कर दिया. 10 पॉइंट्स मतलब आप उसमें से 200 रुपए ब्रोकरेज निकाल के चलो. आप कहीं पे भी करो, टैक्सेस वैक्सेस लगा के 200 रुपए आराम से लग ही जाता है. बराबर है, ठीक है. बट वो कैसा ना, वॉलिटिलिटी काफी था, तो ऐसा था कि लॉस बुक करने से बेटर है कि एटलीस्ट 10 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करके. यस यस, सो डन, कोई बात नहीं है. प्रॉफिट होना मैटर करता है, वही मैं अभी संदीप सर को भी वही समझा रही थी कि प्रॉफिट होना मैटर करता है, कितना हो रहा है वो दैट्स नॉट मैटर, क्योंकि आगे से हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ा देंगे. राइट, ठीक है, चलिए कोई नहीं, गुड, कॉन्ग्रेट्स, फर्स्ट प्रॉफिट विथ मी. इवन संदीप सर को भी फर्स्ट प्रॉफिट विथ मी. पेशेंस चांगलाच संदीप सर तुमच्या मध्ये. मग तसं पाहिलं तर मॅडम, मी तुम्हाला तेच सांगितलं ना, मी 4 वर्षापासून आपलं सॉरी 2018 पासून मार्केटमध्ये, आतापर्यंत भरपूर लॉस केलंय आणि रँडमली मला जेवढं येतं त्याच्यावर किंवा काही इकडं पाहून तिकडं पाहून प्रॉफिट झाला नाही. आज प्रॉफिट झाला नाही असली गोष्ट नाही, प्रॉफिट पण वन डे मी 30,000 रुपये प्रॉफिट 35,000 रुपये बुक केलेला आहे आणि वन डे 5-5, 10-10 मिनिटात 20,000-25,000 रुपये सुद्धा लॉस केलेला आहे. क्रूड ऑइल नॅचरल गॅस मध्ये एसएलएस माझे जवळपास 8-8, 10-10 हजार रुपये हिट होत होते. आता पेशन्स ठेवलेत आणि आज जसा प्रॉफिट केलाय ना तसाच आपण आता रेग्युलरली करूया. फक्त स्टॉप लॉस जेव्हा मी सांगते ना तो स्ट्रिक्टली फॉलो करा. अभी आप लोगों के पास क्या है, स्टॉप लॉस है आप लोगों के पास, आपके पास मैजिक फॉर्मूलाज है, ट्रेंड है, स्टॉक है, न्यूज़पेपर फॉर्मूला है. तो अभी गलती अगर होती है तो वो फिर गलती मार्केट की नहीं है या नॉलेज की नहीं है, वो हमारी गलती होगी, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चीजें होने के बाद अगर आप लॉस करोगे तो उसमें मतलब ही नहीं आएगा, क्योंकि हर तरफ हम लोग रिस्क मैनेज कर रहे हैं. हर तरफ छोटी छोटी बातों पे भी हम लोग रिस्क मैनेज करके ही बढ़ेंगे. अभी सिंपल अगर मैं आपको बता दूं कि आज मैंने कैसे रिस्क मैनेज किया है, जो कल आप लोगों ने, पहले तो बताओ कि जीरो लॉस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट बुकिंग का चैलेंज कैसे कवर किया है, कुछ हुआ है? तो फिर मैं आपको दूसरी स्ट्रेटेजी देने वाली हूँ आज. आवाज है तो योगेश सर? यस मैम. हाय आयुष, हाउ आर यू? आई एम सो सॉरी, एक्चुअली कट हो गए कि अभी तो आप बात ही सुन रहे हो कि सभी सभी के सभी प्रॉफिट में है. सोनाली मैम प्रॉफिट में है, संदीप सर प्रॉफिट में है, हमारी साची मैम प्रॉफिट में है, सोनाली मैम अभी आएंगी, सोनाली मैम को मुझे ट्रेड करवाना होगा.
सो ये दिग्गज है, इनके सामने हम लोग बहुत छोटे हैं, ये सबके सब दिग्गज है. ऐसा नहीं है मैम. अरे आपके सामने हम सब. आप मुझे बताओ, मैंने कोई प्रॉफिट किया है क्या आज? आपने प्रॉफिट किया, आप साची मैम ने प्रॉफिट किया, संदीप सर ने प्रॉफिट किया, मेरा कोई तो ट्रेड बता रही हूँ क्या कि मेरे को 500 रुपए भी मिले? मैं तुम्हें व्हाट्सएप ला जीरो लॉस स्ट्रेटजी का तो दूसरे ने था तो ते मी माझ्या स्टुडंट सोबत क्लायंट सोबत दिलेले आहे, ते मी नाही करत ट्रेड. माझ्या न्यूमरोलॉजी प्रमाणे मला ट्रेडिंग अलाउड नाही. तुमचं पण केलं पण काय काय त्यांचा केला ट्रेड म्हणजे तुम्ही तुमचा पण केला असेल ना? नाही, मला ट्रेड अलाउड नाही आहे ऍज पर न्यूमरोलॉजी. मला मैं ट्रेड नहीं कर सकती हूँ, मुझे अदर सोर्सेस अवेलेबल है मार्केट में. तो अदर सोर्सेस मतलब फिर मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं कॉल जनरेट कर रही हूँ, तो लाइक दैट इज कॉल्ड, वो मुझे सूटेबल है बहुत रेयर केसेस में. किसी का एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर फेवर नहीं करता है मार्केट तो ये अदर सोर्सेस हम लोग सजेस्ट करते हैं ना फिर. Okay. मुझे ओकेजनली ट्रेड जमेगा मेरे राशि के हिसाब से, मेरे नंबर के हिसाब से. बट okay. अगर वो सूट ही नहीं कर रहा है, मैं डेली ट्रेड करूं तो डेफिनेटली मुझे वहां पे लॉस बेयर करना पड़ेगा. okay. तो बेटर है मुझे जो सूट कर रहा है वो अगर मैं करूं तो ऑलवेज बेटर होता है. बेटर राशि के हिसाब से अगर मुझे सूट कर रहा है स्टॉक मार्केट. और कोई कोई नंबर ऐसे कि रैंडमली भी बिना स्टडी करके आप कर लोगे तो भी आपको प्रॉफिट होगा, ऐसे कुछ कुछ नंबर्स होते हैं. मैं तो सोचती हूँ उनके नाम पे मैं खुद ट्रेड कर लूँ. हमको भी बता देना. सो चलिए जीरो लॉस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं. कल के रेट्स मुझे आप बताओगे मैम कि हमने क्या किया था? विशाल सर कुछ स्टडी किया कल? जो आपने हीरो लॉस स्ट्रेटजी जो बताया ना उसमें कुछ एक्चुअली अभी दिग्गज आत्माला आज प्रश्न पाहिजे होता कि समझ लीजिए एक में प्रॉफिट हुआ है और दूसरे में प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए. सो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी संदीप सर? यहाँ पे वेरी परफेक्टली यू आज आई रियली प्राउड योर बेस्ट ट्रेडर मतलब एक्सपीरियंस है. आपको स्क्रीन के सामने रहना पड़ेगा. अब ये फ्लक्चुएशन है तो मैं पकड़ पा रही हूँ ना. मैंने सिंपली आपको क्या बताया कि मैंने 4000 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद में मैंने दूसरा स्ट्रेटजी बनाया उसमें भी मैंने 900 रुपए का प्रॉफिट बनाया. बट ये कब पॉसिबल हुआ? जब मैं स्क्रीन के सामने हूँ. ये फ्लक्चुएशन कैच करने के लिए जीरो लॉस स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है. मार्केट डायरेक्शनल थोड़ा सा